नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि क्या घर के छतों पर या उसके आसपास लगे टावरों से हमें कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है, और अगर हमें नुकसान होता है तो कितना होता है। दरअसल दोस्तों, आपने अपने आसपास कई घरों और बिल्डिंगों के छतों पर मोबाइल टावर लगे होते हुए देखे होंगे, जिनसे निकलने वाले रेडिएशन को लेकर पहले काफ़ी खबरें सामने आती थी और पहले ऐसा बताया गया था कि इनसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम इसी खबर से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मोबाइल के टावरों से निकलने वाले रेडिएशन पर आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर गिरीश कुमार ने काफ़ी पहले एक शोध किया था और उन्होंने बताया था कि मोबाइल से ज़्यादा परेशानी उसके टावरों से होती है, और उसके पीछे का कारण यह है कि मोबाइल का इस्तेमाल हर वक्त नहीं किया जाता है, लेकिन इसके टावर से लगातार रेडिएशन निकलता रहता है। दोस्तों, आप इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम मोबाइल पर एक घंटा बात करते हैं तो उससे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें 23 घंटे मिल जाते हैं, जबकि टावर के पास रहने वाले लोग उसके संपर्क में लगातार रहते हैं और उसके तरंगों की जद में रहने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, शोध में यह भी दावा किया गया था कि अगर घर के सामने टावर लगा है तो उसमें रहने वाले लोगों को 2 से 3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याएँ शुरू हो जाती है। इसके साथ शोध में यह भी सामने आया था कि मोबाइल टावर की 300 मीटर के एरिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया गया था कि किसी भी मोबाइल टावर के एंटीना के सामने वाले हिस्से से सबसे ज्यादा तरंगें निकलती हैं, जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, और ऐसा आप अपने मोबाइल की इमेज में इस समय देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि किसी भी मोबाइल टावर के पीछे यानी बैक साइड में और उसके नीचे सामने के मुकाबले कम नुकसान पहुँचता है, लेकिन रेडिएशन लगातार निकलता रहता है, जैसा कि आप इमेज में इस समय देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि टावर के 1 मीटर के एरिया में 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन होता है। इसके अलावा टावर पर जितने ज़्यादा एंटीना लगे होते हैं उसी उतनी तेज़ी से रेडिएशन बढ़ता है और नुकसान पहुँचाता है। वहीं दोस्तों, इससे पहले जर्मनी में हुए एक शोध में ये बात सामने आई थी कि जो लोग ट्रांसमिशन एंटीना के 400 मीटर के एरिया में रहते थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को कैंसर होने की आशंका 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, 400 मीटर की एरिया में ट्रांसमिशन बाकी एरिया से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं दोस्तों, केरल में हुए एक शोध में ये बात सामने आई थी कि सेलफोन टावरों से होने वाले रेडिएशन से मधुमक्खियों की प्रजनन क्षमता 60% तक गिर गई है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि पहले हमारे घरों के आसपास गौरैया दिखाई देती थी, लेकिन अब नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार दोस्तों, कौवा और बाकी पक्षियों की संख्या भी अब तेज़ी से कम हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर वैज्ञानिकों की माने तो वो इसके पीछे के कारण को मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन को ही मानते हैं। वहीं दोस्तों, केरल में हुई जांच में ये भी बात सामने आई थी कि सेलफोन टावरों के पास जिन गौरैयाओं ने अपने अंडों को दिए थे उनसे 30 दिन के बाद भी बच्चे बाहर नहीं आए थे, जबकि आमतौर पर इस काम में 10 से 14 दिन ही लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि डॉक्टर डेविस नाम के एक वैज्ञानिक ने मोबाइल फ़ोन और उसके टावर से निकलने वाले रेडिएशन के खतरों पर काफ़ी लंबे समय तक एक शोध किया था, और इस शोध में ये बात सामने आई थी कि जो महिलाएं अपने फ़ोन को अपने सीने से चिपकाकर ज़्यादा देर तक रखती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की समस्या, जबकि जो पुरुष अपने पैंट की जेब में ज़्यादा समय तक अपने फ़ोन को रखते हैं उनमें नपुंसकता, शुक्राणुओं में कमी और कैंसर जैसे रोग पनप रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्हें इस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उनके इस शोध में ये भी बात सामने आई थी कि मोबाइल टावर के पास रहने वाले लोगों में अन्य लोगों के मुकाबले कैंसर का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए तो खतरा और भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों, उनके शोध में ये भी बात सामने आई थी कि रेडिएशन से चूहों के प्रजनन तंत्र पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ता है, इसके चलते पशु पक्षी अब मोबाइल टावरों के पास नहीं जाना पसंद करते हैं।